लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बिहार में फिर से खेला हो गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान को बड़ा झटका दे दिया है। खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर तेजस्वी यादव के खेमे में आ गए हैं। उन्होंने रविवार को आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली। आरजेडी की ओर से इसकी पुष्टि शनिवार को ही कर दी गई थी। कैसर ने पिछले दिनों पशुपति पारस की लोजपा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उनके चिराग पासवान के गुटवाली लोजपा रामविलास में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, मगर अब वो पाला बदल कर महागठबंधन में चले गए हैं। खगड़िया सीट से चिराग की पार्टी ने राजेश वर्मा को टिकट दिया है। उनका मुकाबला सीपीएम के संजय कुमार से होगा। चौधरी महबूब अली कैसर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि कैसर के बेटे यूसुफ सलाउद्दीन पहले से ही आरजेडी में हैं। सांसद महबूब अली कैसर के आरजेडी में जाने से खगड़िया में चिराग पासवान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कैसर के समर्थक यहां सीपीएम प्रत्याशी संजय कुमार के समर्थन में माहौल बनाएंगे। ने कहा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए पूरी हमारी जो है सम्मान हम करते थे करते रहेंगे और उन्होंने जो भी कहा हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए हमारे परिवार के बारे में वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। लेकिन मुद्दा ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में ये सब बातें करके किसी बिहार के लोगों को देश के लोगों को फायदा तो है नहीं, इससे जनता को क्या लेना देना। तो पारिवारिक बात है, ये तो पर्सनल बात है और हमने पहले भी कहा कि अब जो स्थिति जो हो गई है कुछ चार पांच लोग हैं वहां जो उन लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है। जब वक्त आएगा जब हम किताब लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे हम उसमें, लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात को